अल्पजाति क्षण में हर दिन नया रंग, प्यार और स्वाद का यहाँ है संगम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो कटलेट। पोटैटो कटलेट बनाने के लिए लेंगे बेसन, डाल देंगे चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, डाल लेंगे हरा धनिया, प्याज कटी हुई, हरी मिर्ची, कुटा हुआ धनिया, सब डाल देंगे इसमें। डाल देंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, काली मिर्च, जीरा का पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, पानी डाल करके सबको मिक्स कर देंगे। अब खूब अच्छे से मिक्स हो गया है ये। ब्रेड लेंगे, ब्रेड को एक गिलास से काट देंगे, सारे ब्रेड को ब्रेड ले लेंगे एक गिलास से, इस तरीके से काट देंगे सारे ब्रेड को, इसी तरीके से पूरे को काट देंगे। सारा ब्रेड कट गया है, अब बना लेंगे। आलू का भरता ले लेंगे, इसमें डाल देंगे हरा धनिया, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन की चटनी, नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, डालेंगे अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जीरा का पाउडर, सबको अब मिक्स कर देंगे। भरता में सारा मसाला मिक्स हो गया है। ब्रेड का पीस लेंगे, ब्रेड के पीस पे लगा देंगे एक पे टोमेटो सॉस, एक पे लगा देंगे हरी चटनी, इस तरीके से लगा देंगे। आलू का भरता लगा करके एक को दूसरे पे डाल करके लगा देंगे सारे पे, इसी तरीके से लगा देंगे। सारे पे लग गया चटनी, इस पे ऐसे करके इस तरीके से लगा देंगे। सारे पे लग गया है, अब फ्राई कर देंगे। तेल गरम हो गया है, डाल देंगे बेसन में लगा करके, डाल देंगे तेल में, तरीके से सारे को डाल देंगे। सारा डला गया, एक साइड से फ्राई होने देंगे, तब दूसरे साइड पलट देंगे। एक साइड फ्राई हो गया, दूसरे साइड पलट देंगे। अब सारे को दूसरे साइड पलट देंगे। दोनों साइड से फ्राई हो गया, अब निकाल देंगे। सारे को एक एक करके निकाल देंगे। अब सारा फ्राई हो गया है, पोटैटो कटलेट बनके रेडी है। एक बार आप लोग भी बना करके देखिए कितना अच्छा बना है।